नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अपर्णा मौजूम। वक्त हो गया एमपी अब तक का। शुरुआत कर रहे हैं भिंड की खबर के साथ, जहां जिला अस्पताल की व्यवस्था पर सवाल उठे हैं। अस्पताल में रील बना रही थी नर्स, ओटी में तैनात नर्स रील बना रही थी, रील बनाकर सोशल मीडिया पर किया अपलोड। स्टेथोस्कोप को मंगलसूत्र बता रही थी नर्स, सीएमएचओ ने की कार्रवाई की बात कही है। सीएमएचओ ने बड़ी खबर यहां पर बता रहे हैं। भिंड जिला अस्पताल का हाल देख लीजिए। ऑपरेशन थिएटर में तैनात नर्स यहां पर रील बना रही थी, रील बनाई और सोशल मीडिया पर उसे अपलोड भी कर दिया, जहां ये नर्स स्टेथोस्कोप को अपना मंगलसूत्र बता रही थी। वहीं सब खबर के सामने आने के बाद, इस रील पर सवाल उठने के बाद, सीएमएचओ कार्रवाई की बात कह रहे हैं। अभी मेरे पास एक मैसेज आया है और उसके व्हाट्सएप पे फोटो भी आए हैं। एक स्टाफ नर्स है कोई, और वो हॉस्पिटल में कुछ गाने जैसा कुछ बोल रही है। तो ये सब चीज़ें के बारे में मैंने सीएस साहब से बात की है और मैं बैठ के कल बुलाया है इन लोगों को, जो भी इसमें दिख रहे हैं फोटो में, कल इस बारे में चर्चा करके इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए अपना प्रस्ताव उनको दूंगा और कार्रवाई करा के और एक टीम बनाता हूँ कि वास्तविकता ये है क्या और ऐसा पहले भी कभी हुआ है या अभी हो रहा है, उसके बारे में पूरी जानकारी। भिंड से हमारे सहयोगी रवि रमन त्रिपाठी फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रवि रमन त्रिपाठी, ओटी ऑपरेशन थिएटर, ये तो बहुत क्रिटिकल जगह होती है जहां पर क्रिटिकल पेशेंट्स का इलाज किया जाता है, वहां पर नर्स को मिल गई रील बनाने की फुर्सत। जी अपर्णा, मैं आपको बताऊं कि ये जिला चिकित्सालय भिंड के ट्रामा सेंटर में जो ओटी होती है वहां का ये वीडियो बताया जा रहा है, और ये नर्सिंग स्टाफ जो है वो सीनियर नर्सिंग स्टाफ हैं और इन पे पूरा ओटी का जिम्मा है। और लेकिन इनकी जो इंस्टाग्राम पर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर रील वायरल हो रही है, और एक रील नहीं कई रीलें वायरल हो रही हैं, जिनमें वो साफ देखी जा सकती हैं कि ये सारी जो रील्स हैं वो जिला चिकित्सालय में ओटी में ही बनाई गई हैं, रील्स में देखा भी जा सकता है। हालांकि न्यूज 18 इस रील्स की पुष्टि तो नहीं करता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत ही गैर जिम्मेदाराना हरकत है, और वो भी एक शासकीय अस्पताल जो कि संवेदनशील मसले वहां पर आते हैं, कई गंभीर पेशेंट भी आते हैं। बिल्कुल, रील बनाना अपलोड करना गलत नहीं है, लेकिन जब आप ड्यूटी पर हैं, आप यूनिफॉर्म पहने हुए हैं, जो गंभीर पेशेंट्स हैं उनके देखभाल का जिम्मा आपके ऊपर है और आप सीनियर स्टाफ नर्स हैं, तो ऐसे में यहाँ आप सवाल उठ रहे हैं और कार्रवाई की बात कही जा रही है सीएमएचओ की ओर से। बहुत शुक्रिया आपका रवि इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे, बात जबलपुर संभाग के सबसे बड़े अस्पताल में किस तरह लापरवाही की सारी हदें पार हो गई हैं उसकी कर लेते हैं। मेडिकल का पल्मोनरी विभाग के 4 डॉक्टर बिना इन्फॉर्म किए, यानी कि बिना सूचना दिए 10 दिन से छुट्टी पर हैं। जी हां, 1 या 2 दिन की छुट्टी पर नहीं, 10 दिन की छुट्टी पर हैं, वो भी 4 डॉक्टर। विभाग के सूचना पटल पर यानी कि नोटिस बोर्ड पर ये नोटिस लगाया गया है। डॉक्टर संजय भारती, डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश, डॉक्टर अविनाश जैन और डॉक्टर ब्रज बिहारी 23 जनवरी से लापता ही कहेंगे, क्योंकि बिना इन्फॉर्म किए गायब हैं, छुट्टी पर हैं। विभाग के प्रभारी ने संभागयुक्त को पत्र लिखकर सूचना दी है, बिना डॉक्टर के टेम्परेरी व्यवस्था की जा रही है मरीजों का इलाज करने के लिए। अस्पताल यानी जबलपुर के डॉक्टर नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल अस्पताल के पल्मोनरी विभाग से 4 डॉक्टर 23 जनवरी से गायब हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल अस्पताल संभाग का सबसे बड़ा अस्पताल है, जहां पर प्रतिदिन हजारों मरीज इलाज कराने के लिए यहां पहुंचते हैं, और इन्हीं में से इन्हीं अस्पताल के पल्मोनरी विभाग यानी फेफड़ों की जांच करने वाले विभाग में पदस्थ 4 डॉक्टर बीते 10 दिन से बिना बताए गायब हैं। हालांकि मेडिकल अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि बिना सूचना दिए वो अनुपस्थित हो गए हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में अस्पताल में भर्ती मरीजों का इलाज किसके भरोसे हो रहा है, यह अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं। डॉक्टर अविनाश जैन, डॉक्टर ब्रह्मदत्त, डॉक्टर ब्रजबिहारी पटेल, ये 4 और इनके साथ एक डॉक्टर और हैं जो अस्पताल से बिना बताए अनुपस्थित हैं, और ऐसा है पहली बार नहीं हुआ है, इसके पहले भी कई बार कई डॉक्टर इसी तरह से अनुपस्थित रहते हैं और मरीजों को भगवान भरोसे
छोड़ जाते हैं। मेडिकल डीन का कहना है कि ये उनके विभाग का मामला नहीं है, लेकिन इस संबंध में उनके द्वारा जो भी संभव कार्रवाई हो सकती है या शिकायत हो सकती है वो उनके द्वारा की जा रही है। लेकिन अभी तक डॉक्टर कहाँ हैं और किस कारण से बिना बताए कहाँ चले गए हैं ये किसी को नहीं पता। पवन पटेल, न्यूज 18, जबलपुर।